नमस्कार, वीकेबी न्यूजच्या स्पेशल रिपोर्टमध्ये आपलं स्वागत. नागपुरात नॅशनल स्टुडंट युनियन ऑफ इंडियाकडून वैशाली नगर NIT ऑफिसजवळ ग्रॅज्युएट पकोडेवाला नावाने स्टॉल लावण्यात आलं. मात्र हे स्टॉल साधं सोपं स्टॉल नसून गॅरंटीचे पकोडेवाला स्टॉल होता. या स्टॉलवर गॅरंटीचे पकोडे विकून मोदी सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाचा विरोध केला गेला. सोबतच बेरोजगार युवकांना मोदी सरकार रोजगार देण्यास सक्षम नसल्याचा आरोपही मोदी सरकारवर लावण्यात आला. मंगळवारी नागपुरात दुपारपासून अवकाळी पावसाने हजेरी लावली. या संधीचं सोनं करत मोदी सरकारच्या आपदामी अवसर या टॅग लाईनला घेऊन NSUIकडून नागपुरात अनोखं आंदोलन करण्यात आलं, ज्यात ग्रॅज्युएट पकोडेवाला नावाने स्टॉल लावून सुशिक्षित बेरोजगारांकडून गॅरंटीचे पकोडे विकण्यात आले. यावेळी पकोडे तळून मोदी सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाचा विरोध केला गेला. सोबतच मोदी सरकार रोजगार देण्यास सक्षम नसल्याचा आरोपही मोदी सरकारवर लावण्यात आला. माझं नाव रौनक राजे शांतावे आहे. मी नागपूर जिल्ह्याचा महासचिव. हा पकडं कारण हे आहे की देशात बेरोजगारी खूप वाढलेली आहे. कारण की मोदी सांगतायत की एज्युकेशन करा पण तुम्हाला रोजगारमध्ये पकोडे तला, सायकल पंक्चरची दुकान टाका असंच काहीतरी म्हणत आहेत. कारण की आजचा युवा इतकं एज्युकेशन करताय, इतकं पैसे लावत आहेत त्यांचे आई वडील, पण आता नोकरी नाही आहे, काहीच नोकरी नाही आहे. त्याबद्दल हा आंदोलन होत आहे. अजून आम्ही समोर अजून वाढणार आहोत या आंदोलनमध्ये. आज हम नागपूर है. यह सरकार जो मोदी सरकार है शिक्षा को लेकर लगातार कुठाराघात की. चाहे देखिए आप, ये जो नौजवान है पकौड़ा जो बेच रहे हैं वो कोई BA किया है, कोई MA किया है, कोई MBBS किया है, कोई LLB किया है, कोई PhD किया है, कोई MA किया है. अगर ये इंजीनियरिंग और डॉक्टर MBBS और जो भी BA BSc BCA जो भी डिग्री ले रहे हैं, क्या वो पकौड़ा तलने के लिए लिए हैं? मैं सवाल करता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, जो देश के इन नौजवानों को कहते हैं कि पकौड़ा तलना एक रोजगार है, पकौड़ा तलना एक नौकरी है. ऐसे ही उनके मंत्री कहते हैं पंचर बनाना नौकरी है, उनके मंत्री कहते हैं कि पान बनाना नौकरी है. तो हमारे देश के नौजवान किस प्रकार शिक्षा ले रहे हैं? क्या देश में वो नहीं चाहते कि डॉक्टर निकले? क्या देश में नहीं चाहते कि इंजीनियर निकले? क्या वो देश में नहीं चाहते वैज्ञानिक निकले? वो पकौड़ा तलने वाले, वो पंचर बनाने वाले, वो पान बेचने वाले को इतनी बड़ी बड़ी डिग्री के लिए इतना पैसा देश का खर्च कर रहे हैं? तो हमारे देश को बहुत बुरे दौर में ले जा रहे हैं. ऐसे भ्रष्ट निकम्मे, ऐसे गंदे सोच के लोगों को हमें जमीन पर उतार के फेंकना है. इन नौजवानों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे वो पेपर लीक के माध्यम से, अभी नीट का पेपर लीक हुआ, और लगातार चाहे दरोगा की भर्ती हो, MPSC का पेपर हो, SSC का पेपर हो, सब पेपर लीक करके इन नौजवानों के, इन छात्रों के भविष्य का साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. मेरा नाम अर्जुन चपराना है. मैं NSUI का विद्यार्थी कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूँ और आपके प्रदेश महाराष्ट्र का प्रभारी हूँ. जैसे कि पूरे देश के अंदर चुनाव का माहौल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री हमसे कहते हैं कि पकौड़ा बेचना एक कला और साथ के साथ एक रोजगार है. तो आज हम उनको ये बताना चाहते हैं कि सारा देश का बेरोजगार बच्चा आज देख रहा है आपको, और साथ ही साथ नागपुर में आज बहुत जबरदस्त बारिश होने के कारण हमने सोचा कि मोदी जी की बात को मानते हैं कि आपदा में अवसर, बेरोजगार तो उन्होंने हमको बना दिया है, रोजगार तो वो हमको दे नहीं पाएंगे, तो हमने सोचा कि आपदा में अवसर सुनते हैं आज. तो इस कारण हमने आज अपनी दुकान लगाई है. सारे के सारे जन, जितने लोग आप यहाँ देख रहे हो, सब ग्रेजुएट, कोई MA, कोई BA, मैं खुद LLB करा हुआ हूँ.